नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। गोमिया झिरकी पंचायत में बुधवार को झिरकी पंचायत एवं सोरछिया पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निरीक्षण व जायजा लेने गोमिया विधायक डॉक्टर लमोदर महतो एवं गोमिया के पूर्व विधायक गोगेंद्र महतो ने कार्यक्रम में पहुंचे एवं विभिन्न विभाग के लगाए गए स्टॉल के अधिकारियों ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को विधायक डॉक्टर लमोदर महतो एवं पूर्व विधायक गोगेंद्र महतो ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में लगभग 900 आवेदन जमा किए गए थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को ऑन द स्पॉट योजना का लाभ प्रमाण पत्र सौंप कर इस संबंध में जानकारी दी गई। गोमिया विधायक डॉक्टर लमोदर महतो ने कहा कि जिस जनता दरबार में विभागीय पदाधिकारी मौजूद नहीं है, उस जनता दरबार में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। कहा कि झारखंड के मौजूदा सरकार जनता को बलगनाने का काम कर रही है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही। आते हैं पूरी खबर विस्तार से। R9 भारत मोहम्मद इश्तियाक अहमद की खास रिपोर्ट। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का जो कार्यक्रम चल रहा है, किस नजरिया से इसको आप देख रहे हैं? क्योंकि सरकार का ये योजना चला हुआ है, आपके द्वार, आपका सरकार, आपके ठेकेदार का नंबर दे दीजिए, उस पर ठेकेदार का जो समस्या है ग्रामीणों का, उस पर विचार किया जा रहा है सरकार द्वारा और सुना जा रहा है सरकार, इस पर जो भी समस्या है ग्रामीणों का और क्षेत्र का सारा समस्या का निदान करने के लिए सरकार निकाली हुई है। पिछले बार भी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चलाया गया था, उस पर कितने लोगों का लाभुकों का काम हुआ? देखिए, उस पर तो ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ग्रामीण जानना चाहती है, ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। हमारे विधायक जी भी अभी दिए, गोमिया विधायक भी स्टेटमेंट दिए, उन्होंने बताए होंगे आपको। यहाँ कुछ लोगों का अगर काम नहीं हो रहा है तो यहाँ के मत कहाँ पर जाए? देखिए, जो काम नहीं हो रहा है उस पर सरकार के रखा जाएगा, सरकार के पास। ऑन द स्पॉट कौन कौन काम किया जा रहा है? ऑन द स्पॉट अब यहाँ का मुखिया लोग बताएंगे, यहाँ का पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य लोग हैं, सारे लोग अपना अपना समस्या को बताने के लिए तैयार हैं। आपके पंचायत में हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं ग्रामीणों को? किस ग्रामीणों को काम देख रहे हैं कि सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं सर, पूरी ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ लगातार सर कई विभाग का कई पदाधिकारी एब्सेंट रह रहे हैं, ग्रामीण जानना चाहती आखिर क्यों? ये सरकार के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में सभी विभाग के पदाधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए और उपस्थित रहकर जो उनसे विभाग से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण पूरी शक्ति संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से दुखद है और ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके जो सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर अनुपस्थित रहते हैं तो ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। दौलत मोहल्ला विधायक गली और नूरी मोहल्ला तार जर्जर हो चुकी है, पोल की भी कमी है, इसी पंचायत झिरके में सर। देखिए, वही बोले कि इस कार्यक्रम में सभी विभाग के पदाधिकारियों को रहना, पेयजल के रहना है, बिजली से सारे विभाग को, अभी बिजली विभाग के अगर पदाधिकारी रहते तो ये इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके संज्ञान में आता और निश्चित रूप से विभाग को करने की आवश्यकता थी। तो पदाधिकारियों का नहीं रहना अपने आप में ये संदेह उत्पन्न करता है, सरकार को कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसी पंचायत के सर नूरी मोहल्ला में जल मीनार जो बना हुआ है, उस जल मीनार से पानी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। निश्चित रूप से विभाग के पदाधिकारी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर पानी पहुँचाने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। इसी पंचायत के अंदर सर जो रोड में जो पानी बह रहा है उससे काफी कीचड़ हो रहा है और लोगों को आने जाने में पर काफी परेशानी हो रही है, उस पर ड्रेन के लिए सुविधा किया जाए। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संयुक्त आवेदन आज के कार्यक्रम में आ जाना चाहिए और उस आवेदन के आलोक में प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।
किए हैं जो एंट्री के बाद का पुनः चालू हुआ है उसमें सभी जनताओं का स्वागत है और आप देख रहे हैं कि जनता का कितना सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विश्वास रहा है। सब लोग अपने समस्याओं का अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और ऑन द स्पॉट उस समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और हम लोग यहाँ जन सहयोग केंद्र के माध्यम से जनता का सहयोग कर रहे हैं। आवेदन लिखना कोई फॉर्म नहीं भरना जानता है, कुछ और तरह का परेशानी है जो प्रखंड कर्मी अगर किसी विषय को लेकर इग्नोर करते हैं तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थित रह करके उन विषयों को पूरा नाम है जनता सरकार के प्रति आभार दिल से हृदय से आभार व्यक्त कर रही है कि आज सरकार जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को जनता प्रखंड में खोजने के लिए जो अंचलाधिकारी को प्रखंड में खोजने के लिए जाती थी पेट्रोल डीजल चलता था समय व्यतीत होता था लेकिन अब सरकार आप इनके द्वारा आकर के इनकी समस्याओं को समाधान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय कदम है, आने वाला समय के लिए मील का पत्थर है। गोमिया प्रखंड में इस कार्यक्रम को राजनीतिक अड्डा का आरोप लगा है कि राजनीतिक अड्डा बन गया है तो अगर मान लीजिए अगर बिरहोर डेरा और कांसी टाण में बिजली नहीं पहुँचा है क्या वो सवाल पूछना भी गुनाह है इस बार का दीपावली? लोकतंत्र में देखिए दो चीजें, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब सवाल पूछते हैं अपने से कमजोर लोगों संवैधानिक पर। आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, आज सवाल जनता किससे पूछेगा? आदरणीय हेमंत सोरेन से पूछेंगे कि रघुवर दास से पूछेगा? अगर बिरहोर डेरा कांसी टाण में बिजली नहीं आया है, बिजली आया है पहले मैं बार बार आपको बताता हूँ बिजली आया है, लेकिन 2019 में जब हम लोग हमारी प्रधानमंत्री चुनाव हार गई और हारने के बाद वहाँ तार जर्जर हो गया और वर्तमान विधायक उसको बदल नहीं पा रहे और आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, वह पूर्व विधायक के ऊपर सवाल क्यों पूछते हैं? खुद उनको जनता विधायक बना है, उनको ताकत और क्षमता नहीं है क्या? उनको कार्य करने का अनुभव नहीं है क्या? तो उनको सवाल अपने आप से पूछे। सवाल विधायक और जनता के सरकार के प्रवक्ता से भी पूछे जाएंगे? सरकार का प्रवक्ता हम हैं, सरकार का प्रवक्ता हम नहीं है, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप गलत समन्वय समिति के आप सदस्य हैं। समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी अलग चीज होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब होता है जो राज्य सरकार तीन दलों की गठबंधन का जो से बनकर जो चल रहा है उसको हम लोग सामंजस्य बनाना है। अगर जब समन्वय समिति करेंगे तो विधायक फिर वही बात बोलते हैं आप, तो भाई विधायक का क्या कर्तव्य है, उनका अधिकार क्षेत्र क्या है? पानी बिजली सड़क शिक्षा यही ना एलसीडी संचालक जो है कि पूरे क्षेत्र में पानी बिजली सड़क